बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए व बी, ए से बी तक ये कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल का मतलब यह है कि ए और बी इसमें इंक्लूड हो, देन द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्राम एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन मालूम करेंगे और एक्स इज इक्वल टू ए मतलब कि लोअर लिमिट इसका ए है और अपर लिमिट इसका बी है। इसका मतलब ये है आपके साथ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये इसका ग्राफ है, परस्पर लोअर लिमिट हमारे साथ ए है और अपर लिमिट हमारे साथ बी है। तो इसका जो फंक्शन है उसका पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे और फिर उस पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ इस रिलेटेड कुछ फार्मूली है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट लोअर लिमिट ए और ए बराबर हो तो इसका रिजल्ट जीरो होगा, ठीक है। इस तरह इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ फ्राम ए टू सी एंड फ्राम सी टू बी। इसका मतलब ये है अगर इधर दरमियान में कोई पॉइंट सी हो तो ए टू बी में लिख सकता हूँ फ्राम ए टू सी एंड देन फ्राम सी टू बी, मतलब दो इंटीग्रेशन में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह अगर लिमिट को मैं चेंज करता हूँ ए टू बी है तो अगर ए टू बी की जगह मैं बी टू ए लिखूंगा तो ये माइनस के बराबर होगा। अगर लोअर लिमिट में अपर लिमिट की पोजीशन पे और अपर लिमिट में लोअर लिमिट की पोजीशन पे लाऊंगा तो इसके लिए मैं माइनस साइन पर लगाऊंगा, मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी टू ए, ठीक है।